बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। बड़े एग्रेसिवली देख रहे हैं तो मार्केट ने यहाँ परफॉर्म किया है। इस वीक में देखें तो स्पेशली ये देखें ना, ये यहाँ पे एक एक बुलिश कैंडल बनी थी और यहाँ पे इतनी एग्रेसिव नहीं हुई थी। और यहाँ पे देखना, रिजेक्शन भी हम विटनेस कर रहे थे, 86,500 समझ लें, 450 आ रहा है, 86,450। ये जो है अब ये इस बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल भी है। और इसके बाद जो मैंने भी इस पे भी शेयर किया था, जो पिविटल रेजिस्टेंस था ना, वो 87,900 और 88,000 के अराउंड आ रहा था। यहाँ पे हम हैवी रिजेक्शन विटनेस कर सकते थे, तो फॉर्चुनेटली यहाँ से हमने एग्रेसिव यहाँ से देखा, बाइंग हमने देखी। और यही वजह है कि मैंने यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन शेयर किया है। इस वीक का और अगले पे लास्ट वीक का हम अगर हम कंपेयर करें तो 153 बिलियन रुपीस, अच्छा खासा है। मतलब इंक्रीज हमने ये वीक ऑन वीक बेसिस पे देखा है। और इस वक्त जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो स्टैंड कर रहा है तकरीबन 11,700 बिलियन के करीब, 11,690 एग्जैक्ट फिगर है, 11,700 के आप करीब समझ ले। मतलब ये 12,000 जो है ये इसको टच करने वाला है, 12 ट्रिलियन रुपीज को ये हिट करने वाला ये टारगेट जो है। मैंने डिफरेंट जो बेंचमार्क सेट किए थे, जिसमें से 10,000 से शुरू किया था मैंने कि 9,500 एक स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से रिजेक्शन आ सकती है। 9,500 को ब्रेक किया, फिर 10,000, फिर 10,500 बिलियन रुपीज, फिर 11,000 बिलियन रुपीज, 11,500 काफी क्रूशल था, उसको भी उसने ब्रीच किया। और अब जो है ये 12,000 यानी 12 ट्रिलियन रुपीज की तरफ मार्केट कैपिटलाइजेशन जा रहा है। और इसमें हम डे ऑन डे बेसिस पे भी इंक्रीज है। डे ऑन डे बेसिस में जैसे प्रॉफिट टेकिंग जब देखते हैं तो डे ऑन डे बेसिस में फ्लक्चुएशन आती है, तो इसलिए वीक ऑन वीक बेसिस पे अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा इजाफा हुआ है। और इसके इजाफा हम डे ऑन डे बेसिस पे भी देख रहे हैं, करेक्शन के साथ। ऑब्वियसली थोड़ा करेक्शन आती है तो थोड़ा डिक्रीज होता है, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे अगर मार्केट अगर काफी बुलिश होती है, वॉलेटाइल होती है और अच्छे मतलब इसमें वॉल्यूम होते हैं, तो अच्छे इसके साथ मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इसके साथ अच्छा इंक्रीज होता है ठीक ठाक। तो इसी का रिफ्लेक्शन हम वीकली पे देख रहे हैं, तो अच्छा खासा यहाँ पे हमने इंक्रीज विटनेस किया है। इसी की वजह ये हुई कि देखें इसको निगेट करता हुआ जा रहा है। यहाँ पे देखें ये ट्विजर, ये टेक्निकल था ट्विजर टॉप, ठीक है। यहाँ पे दो दफा रिजेक्शन आई 86,450 के करीब, ठीक है। और ये अगर यहाँ पे कोई बुलिश सॉरी बेरिश कैंडल बनती तो फिर ये मार्केट नीचे की तरफ परफॉर्म करती है और मजीद, क्योंकि वही अगेन उसकी कंफर्मेशन जरूरी होती है, बेरिश की, बेरिश कैंडल बनती है उसके फिर एक नेक्स्ट कैंडल इसको इसकी कंटिन्यूशन को जो है वो कंफर्म करती है, तो फिर ये मार्केट नीचे वापस आके यहाँ पे जहाँ कंसोलिडेशन चल रही थी, ये वाला एरिया मैं आपको बता दूं, ये वाला एरिया इस यहाँ पे आके फिर ये हो सकता है ये यहाँ पे रेस्ट करता है ये लेवल, और फिर यहाँ फिर ये यही लेवल डिसाइड करता 77,300 का या 400 का लेवल, फिर डिसाइड करता कि मार्केट फर्दर अपसाइड मूव करती है या डाउन साइड। तो अभी तो इसको हम फिलहाल इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। इस वक्त जो है वो लेवल वो अगेन जो मैंने आपको बताया था 87,000 सीपीआर लेवल पहले आपके साथ में शेयर कर लूँ, वीकली का और डेली का भी यही है 90,400, क्योंकि मार्केट जो भी क्लोज हुई है 90,400 से नीचे बंद हुई है तकरीबन 90,000 के अराउंड, 89,099। तो ये एक सीबीआर का लेवल है, यहाँ अगर मार्केट सस्टेन करती है तो मजीद अपसाइड मोमेंट दिखा सकती है। तो जिस तरह मैंने भी सोशल मीडिया में भी थोड़ी देर पहले भी शेयर किया है कि 91,700 जो है वो एक्सपोज है, फिर 93,000 या 92,700, 93,000 इसको भी रिटेस्ट कर सकती है। और वीकली का जो है वो 1,02,500 है, ये वाला लेवल जो है यहाँ पे लगा देता हूँ, फिर ये जाके वीकली पे 1,02,500 के करीब ये वाला लेवल जो है ये रिटेस्ट कर सकता है, ठीक है। ये राउंड फिगर में ले लें 1,02,500 का लेवल, या 1,02,000 ले लें, 1,02,500, तो वॉलेटिलिटी या रिजेक्शन काफी यहाँ से विटनेस कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छी खासी रिजेक्शन हम देख सकते हैं क्योंकि मार्केट काफी हाई इस पे चली गई है आरएसआई पे। अगर आरएसआई देखें तो इस पर ओवरबॉट जोन में जा रहा है, बल्कि वीकली में देखें एंटर हो चुका है 82 पे जो आरएसआई इस वक्त है। डेली पे हम थोड़ी नजर डाल लें तो डेली पे भी 83 पर है, ठीक है। शॉर्ट ग्राफ में हम पहले आवाली ले लेते हैं, आवाली पे भी 75 पर है। और 15 मिनट्स का अगर हम चार्ट देखें
तो इधर 57 पर है, लेकिन यहाँ पे एक चीज मैंने 50 सॉरी 15 मिनट के चार्ट में एक चीज मैंने देखी कि यहाँ डाइवर्जेंस आ रहा है, तो जरूरी नहीं है डाइवर्जेंस आते हैं। देखें यहाँ पे ये बेरिश डाइवर्जेंस है और क्रॉसओवर भी यहाँ पे हुआ हुआ है, तो डाइवर्जेंस आते हैं, तो इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म में या शॉर्ट ग्राफ में यहाँ पे ये मार्केट अपने आप को करेक्ट कर सकती है, और करेक्शन ड्यू है ऑब्वियसली, कब से ड्यू है तो ये अपने आप को मार्केट करेक्ट कर सकती है। लेकिन यहाँ इस वक्त देखें तो करेक्शन लिया है मार्केट ने, देखें यहाँ पे मैं आपको बता दूं यहाँ इसका आरएसआई कितना गया था, यहाँ पे ये 75 पे गया था शॉर्ट ग्राफ पे, ठीक है 75 68, यहाँ से फिर इसने ये करेक्शन लिया है इस लेवल से, यहाँ रिजेक्शन हमने देखी 90,500 पे, फिर यहाँ से नीचे इसने ये वापिस सपोर्ट भी लिया है 89,725 के अराउंड, यहाँ सपोर्ट लिया है इंडेक्स ने, और फिर ये मजीद अपसाइड की तरफ ये जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो ये MA5 जो है, जो मैंने बताया कि वैसे तो ये हायर टाइम फ्रेम पे अच्छा काम करता है, लेकिन इस वक्त देखें ये शॉर्ट ग्राफ पे भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, देखें इसी की रिस्पेक्टिवली जो है मार्केट परफॉर्म कर रही है, ठीक है ये देखें यहाँ इसे थोड़ा सा नीचे आता है फिर अगेन ही ऊपर की साइड पे ये इंडेक्स चला जाता है, दैट मींस कि यहाँ पे अच्छी सपोर्ट आ रही है। देखें एक ये सपोर्ट अच्छा लेवल बन रहा है 87,088, यहाँ सपोर्ट लिया फिर अगेन यहाँ सपोर्ट लिया 88,200, फिर यहाँ ये मैं आपके साथ एक और चीज शेयर कर दूँ, यहाँ पे ये गैप ओपनिंग हुई 25 अक्टूबर को, यहाँ पे गैप ओपनिंग हुई है, तो यहाँ पे एक ये गैप फिल जो है ये वो जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि वीकली पे भी हायर चला गया आरएसआई पे, आरएसआई काफी हाई हो गया है, तो अगर हम ये ले लें इसकी नेकलाइन सपोर्ट ये वाला ले लें, या इसी की ओपनिंग जो है ये बेरिश कैंडल की ओपनिंग है यहाँ, इसको ले लेते चले हम, और ये यहाँ पे गैप भी फिल हो रहा है, तो ये देखें यहाँ पे 89,000 पे ये हो सकता है इंडेक्स यहाँ पे आए, अगर इसको ब्रेक करता है 89,725 को, तो ये फिर 89,000 को मतलब 700 पॉइंट और मजीद यहाँ पे करेक्ट हो सकते हैं, तो ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है टू टेक एंट्री इन योर डिजायरेबल स्टॉक, जो भी आपके डिजायरेबल स्टॉक है, मैं तो चाहूंगा स्पेशली आप जो है इस वक्त जो है ब्लू चिप है बड़ा अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, PSO बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, OGDC का ऑल्दो के रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये फिर अच्छा दोबारा करेक्ट करेगा अपने आप को, तो ये यहाँ से फिर अच्छा परफॉर्म करेगा OGDC भी, PSO अच्छा है अगर करेक्शन मिलता है आपको नीचे, फर्टिलाइजर सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और पावर सेक्टर के इस वक्त जो लाइम लाइट में है वो मैंने आपको पहले भी आपके साथ शेयर किया था उसकी न्यू IPP की न्यूज की वजह से, तो वो करेक्शन में अगर आप जैसे लाल पीर आया था बहुत अच्छे रेट पे आया था 14 रुपीज के अराउंड, तो इसके बाद उसने अच्छी मूवमेंट दिखाई है, सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 250 बेसिस पॉइंट जो है जो मेरा टारगेट भी इससे पहले मैंने सेट किया था अलोंग विथ टेक्निकल चार्ट, इसका मैंने CPI को डिस्काउंट रेट का किया था, जिस वक्त इसमें हमने कमी देखी थी तो मैंने उसी वक्त जो है उस अपना टारगेट इसको सेट कर दिया था 15% डिस्काउंट रेट जो है, तो आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में मैं 50% देख रहा हूँ, तो हो सकता है इसमें 1-1.5% हो, लेकिन आने वाले दिनों में 15% 14.5 एंड 15% ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, अभी इसकी शेड्यूल है मॉनेटरी पॉलिसी 4 नवंबर को, तो उसमें देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, मुख्तलिफ जो है हाउसेज है अपना एनएल जो है वो अपना एनालिसिस शेयर कर रहे हैं, कोई कह रहा है 150 बेसिस पॉइंट कोई 100 बेसिस पॉइंट, तो मेरा भी अपना एक एनालिसिस है कि और एक टारगेट है कि ये इंशाल्लाह 15 बेसिस पॉइंट तक 15% तक आ जाएगा, 250 बेसिस पॉइंट मैं रिडक्शन देख रहा हूँ आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में, बहरहाल तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑब्वियसली LSM जिसे हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर बोलते हैं उन पे आएगा, जैसे स्टील सेक्टर है और आपका ऑटो सेक्टर है, ऑयल सेक्टर है, रिफाइनरी सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, इनमें अच्छा इसका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। अच्छा टेक्सटाइल को भी थोड़ा फोकस कर रहे हैं, टेक्सटाइल काफी डाउनसाइड पर है और अभी टेक्सपो जो हुआ था इस्लामाबाद में उसमें अच्छे ऑर्डर मिले हैं, तो उसको भी आप डाउनसाइड पे देख सकते हैं क्योंकि काफी लोअर साइड पर है, तो उसमें भी हम आने वाले दिनों में अच्छी मूवमेंट देख सकते हैं, तो ये सेक्टर्स हैं इनको आप फोकस करें डाउन साइड पे, और स्पेशली उसको कंसिडर करें जो डिविडेंड ओरिएंटेड हो। अच्छा हब पावर के हवाले से मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, काफी क्वेरीज अभी भी आ रही हैं कि क्या करें, देखें अभी आपको मिल रहा है यहाँ पे ये रेस्ट कर रहा है, हो सकता है
₹80 भी लोग बोल रहे हैं, अच्छी बात है। अगर बोल रहे हैं तो डरने की बात नहीं, वहां पे आओ और मजीद एक्यूमुलेट करें, क्योंकि आगे जाके BYD की भी खबरें हैं कि भाई ये बुकिंग भी स्टार्ट हो गई है और मैन्युफैक्चरिंग भी इंशाल्लाह 2025 में एक्सपेक्टेशन है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी प्रोडक्शन, और इनका जो एम है वो आगे एक्सपोर्ट करने का भी है। तो अच्छा स्टॉक है, अपार्ट फ्रॉम पावर सेक्टर, पावर सेक्टर से हटके भी देखें तो ये अभी ऑटो सेक्टर में भी आ रहा है और भी सोशल मीडिया में इसकी जो है न्यूज जो है सर्कुलेट हो रही है कि ये लिथियम बैटरी का भी बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, प्लस जो है वो चार्जिंग पॉइंट बना रहा है नेशन वाइड। तो अच्छा है, आपको भी आप बिल्कुल इसको आप एक्यूमुलेट करें अपने पोर्टफोलियो जो बिल्डअप कर रहे हैं तो उसमें इसको ये ऐड करें। तो मैंने आपको सारे लेवल्स आपको मैंने बता दिए हैं, वीक ऑन वीक बेसिस पे भी मैंने वीक ऑन वीक बेसिस पे शेयर करने का मतलब ये था कि यहाँ पे लेवल जो है CPR का वो शेयर करने का मकसद था आपका, और प्लस जो वीकली पे जो पिविटल रेजिस्टेंस यहाँ पे नजर आ रहा है 1,02,000 की आपके शेयर करने का सा मकसद था। लेकिन हम जो है ना डेली पे थोड़ा नजर डालेंगे तो डेली पे देखेंगे, अभी हमने यहाँ पे कोई मैं यहाँ पे ये लाइन चार्ट के साथ मदद से देख लेता हूँ, अभी कोई देखें ना क्रॉस ओवर हो रहा है ना यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस नजर आ रहा है ना पुल बैक नजर आ रहा है वापिस रिवर्सल के लिए। तो इसमें हम डेली पे हम इंशाल्लाह देखें यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल अच्छा बनता बना आ रहा है, तो CPR के लेवल को ये डेली पे भी काम करेगा CPR का लेवल जो है। तो डाउन साइड पे देखें, एक तो ये सपोर्ट मैंने आपको जैसा आपको शेयर किया 89,000 गैप हो सकता है फिल करे, अगर इसको ब्रिज करता है तो जैसे ये मैंने अगेन आपको मैंने बताया MA5, तो इसके लिए भी थोड़ी गुंजाइश रखें, कैश इन हैंड रखें, देखें आपको अगर अच्छे डिस्काउंट में मिलता है तो आपकी एवरेज भी अच्छी होगी। तो 87,900 के लिए आप अपने पास कैश जरूर रखें, यहाँ पे यूज करें थोड़ा कैश अपना, और यहाँ पे फिर अगेन जो है ये वाला लेवल 85,400 ये भी एक अच्छा लेवल है। तो लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा मोहतार है क्योंकि डेली पे ये MA5 को ब्रीच कर जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा बाय कर सकते हैं, उस वक्त बाय कीजिएगा जब देखेगा कि डे की क्लोजिंग जो है वो कम से कम भी जो है ना 87,000 के ऊपर आए, ठीक है 86,500 या 87,000 के ऊपर आए और यहाँ विक बने तो आप एंट्री ले सकते हैं। यहाँ जब ये जब जिसको मेरे कहने का मकसद ये कि जब 87,900 जो मैंने अभी भी शेयर किया है सोशल मीडिया में कि 88,000 आप 87,900 है, तो ये अगर इसको ब्रेक करता है डे ऑन डे बेसिस पे तो वेट करना चाहिए, फिर अगली कैंडल का वेट करें कि यहाँ पे कोई अच्छी कैंडल बनती है विक के साथ तो फिर आप अगेन आप यहीं पर ही एंट्री ले लें 87,000 पे या 86,500 पे, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। तो कहने का मकसद ये कि थोड़ा वेट करें, मार्केट काफी हाई है, करेक्शन ड्यू है ऑब्वियसली, और RSI भी काफी ओवरहीटेड है, तो मेरा मकसद यही है कि थोड़ा केयरफुल होकर काम करें, एग्रेसिव बाइंग ना करें अपर साइड पे, लोअर साइड पे वेट करें। अगर आपने कोई चीज अपर साइड पे बाय कर लिया और वो नीचे आ रहा है तो फिर लोअर साइड पे जो मैंने लेवल्स बताए हुए उनको यहाँ पे एवरेज करें अच्छे स्टॉक को। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।